5 अगस्त को हमें गेम के अंदर देखने को मिलेगा न्यू एक्सूट, कह सकते हो फेरो जो है उसका एक न्यू वर्जन आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी के रिलेटेड आज से एक इवेंट स्टार्ट हो चुका है वॉरियर चैलेंज करके। एंड ये जो इवेंट है ये चलने वाला है 3 तारीख से लेके 17 तारीख तक। एंड इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको यहाँ पर फेरो के जो क्रेट्स है उसके कीज आपको ढूंढने हैं। एंड ये कीज से आप यहाँ पर काफी सारे क्रेट्स ओपन कर सकते हैं। एंड क्रेट्स के अंदर से भी आपको काफी सारे आइटम्स मिलने वाले हैं। तो लोकेशन में आपको बताऊंगा कि कहाँ जाने से आपको ये कीज मिलेंगे। उससे पहले आज हमें बिल्कुल फ्री में एक प्रीमियम क्रेट दिया जा रहा है, सबसे पहले उसको कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक न्यू स्पिन आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के नीचे आपको बटरफ्लाइज उड़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो सिंपली इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पर आपको और एक बार टैप करना है तो आपको यहाँ से मिल चुका है एक बिल्कुल फ्री में प्रीमियम क्रेट कूपन। तो हर बार जब नया एक्सूट आता है तो हमें एक कैरेक्टर वाउचर का इवेंट देखने को मिलता है। तो इस बार भी हमने सोचा था कि कैरेक्टर वाउचर का इवेंट देखने को मिलेगा फेरो एक्सूट आने के साथ, पर ऐसा नहीं है। देख सकते हो क्रेट के अंदर जो भी सारे सामान इतना खास मुझे नहीं लगा। टेम्पररी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, कुछ स्क्रैप आपको देखने को मिलेगा, बाकी कंपेनियन फूड है, उसके बाद एजी करेंसी है, पैरासूट ट्रेल है एंड यहाँ पर आपको पेंट देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आरपी मिशन कार्ड है एंड सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फेरो का एक थीम सॉन्ग आपको मिल जाएगा। तो यही एक खास चीज़ है। इवेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है पर इवेंट का जो रिवॉर्ड है मुझे इतना खास नहीं लगा। अगर यहाँ पर 5, 10, 20 एटलीस्ट यहाँ पर कुछ कैरेक्टर वाउचर दे देता तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते इस मिशन को कंप्लीट करने में, इवेंट को कंप्लीट करने में। तो अभी बताते हैं कि कीज़ कैसे आप ढूंढ सकते हो। इरंगेल, लिविक, मीरामार तीनों मैप के अंदर हमें देखने को मिलता है एंशिएंट सीक्रेट अराइज मोड एंड तीनों मैप के अलग अलग लोकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्कॉर्पियन क्रेट। तो इसी जो स्कॉर्पियन क्रेट है इसी क्रेट के अंदर आपको ये की देखने को मिलेगा। तो इवेंट आज से स्टार्ट हुआ इसलिए आज से ये की हमें देखने को मिल रहा है, इससे पहले की हमें नहीं मिल रहा था। तो देखते हैं कि कैसे हम की ढूंढ सकते हैं, कौन से लोकेशन है। मैंने बस इरंगेल को कवर किया है, मैंने अदर्स मैप को कवर नहीं किया है क्योंकि ज़्यादातर लोग इरंगेल को ही खेलते हैं, इरंगेल के अंदर ही ज़्यादा चांसेस आपको की मिलने का। तो सबसे पहला जो लोकेशन है इरंगेल का जो पॉपुलर लोकेशन है वो है मिलिट्री बेस। तो मिलिट्री बेस का जो सी बिल्डिंग है, इसका जो मिडिल सी बिल्डिंग है, इसके अंदर आपको एक स्कॉर्पियन क्रेट देखने को मिल जाता है। एंड जैसे कि हम सभी को पता है कि स्कॉर्पियन क्रेट जो है क्रेट के अंदर अगर आप फायर करोगे तो ये क्रेट नहीं आने वाला, आपको स्कॉर्पियन के ऊपर फायर करना है तभी जाके ये क्रेट नीचे आने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको लूट भी मिलने वाला है, साथ ही साथ की भी मिलने वाला है, पर मुझे काफी रेयर की देखने को मिल रहा था। तो सेकंड लोकेशन है यहाँ पर नोवो के अंदर। तो नोवो के अंदर जो फर्स्ट वेयरहाउस आप कह सकते हो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन में आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो यहां पर देख सकते हो हमें की मिल चुका है, तो नोवो के अंदर हमें पहला की मिल चुका है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के अंदर। तो नेक्स्ट लोकेशन है हमारा प्रिजन। तो काफी लोग प्रिजन के अंदर भी जाते हैं, रिकॉल टावर है वहां पर। तो प्रिजन के अंदर 2 क्रेट आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपको नॉर्मली जो वेयरहाउस है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ प्रिजन का जो मेन बिल्डिंग है इसके ऊपर का साइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप स्कॉर्पियन क्रेट के सामने जाओगे यहाँ पर आपको क्रेट्स के मार्क्स आ जाएंगे जिससे आप इजीली इस क्रेट को डिटेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन जो कि है पोचिंगी के अंदर। तो पोचिंगी के मिडिल हाउसेस के अंदर आपको ये क्रेट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर देख सकते हो हमें मिल चुका है। लूट तो हमें मिल जा रहा है पर बहुत ही रेयर मुझे की मिल रहा था, इसलिए कह सकते हो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही की है। उसके बाद हम आ चुके हैं स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर भी 2 क्रेट हमें देखने को मिलता है, फिलहाल 1 क्रेट किसी ने लूट लिया था। तो अभी 1 क्रेट का लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि है स्विमिंग पूल के अंदर। तो स्कूल के अंदर जाओ, स्विमिंग पूल के अंदर आपको 1 क्रेट देखने को मिलेगा, तो सिंपली इसको फोड़ के आप लूट ले सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन है जॉर्जिया पुल। तो जॉर्जिया पुल के जो ट्रिपल वायरस है वहाँ पर आपको 1 स्कॉर्पियन क्रेट देखने को मिलेगा, तो सिंपली जाके आप फोड़ के लूट ले सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे लोकेशन है एंड अगर मैं सब लोकेशन दिखाने गया वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेन जो लोकेशन है जहाँ पर ज़्यादातर लोग जाते हैं उस सारे लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया। बाकी अगर आपको किसी दूसरे लोकेशन के बारे में पता है तो कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो ताकि दूसरे लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो इतना स्कॉर्पियन क्रेट ओपन करने के बाद अभी बस मुझे 1 ही की मिला है। तो अभी देखना है कि कितना की मैं जमा कर पा रहा हूँ एंड मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 40 की अगर आप जमा करते हो तो 40 वाला जो क्रेट है उसको ओपन कर सकते हो। बाकी क्रेट के अंदर इतना अच्छा खासा सामान नहीं है जिसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा इस इवेंट के ऊपर। अगर नॉर्मली कंप्लीट हो रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली मैचेस के अंदर हम लोग स्कॉर्पियन क्रेट ओपन करते रहते, अगर मिल जाते तो अच्छी बात है। बाकी बताना आपको ये इवेंट कैसा लगा। एंड पबजी मोबाइल के अंदर ही सेम टू सेम इवेंट हमें देखने को मिला है। पबजी मोबाइल के अंदर भी इस बार हमें कैरेक्टर वाउचर का इवेंट देखने को नहीं मिला है। तो एक तरीके से कह सकते हो बीजी में तो स्कैम करता ही है, साथ ही साथ इस बार पबजी मोबाइल ने भी स्कैम कर दिया कैरेक्टर वाउचर का इवेंट ना डाल के। तो इस इवेंट को साइड में रखो, कोनीजेक का एक काफी बढ़िया इवेंट चल रहा है अभी गेम के अंदर जहां से आप बिल्कुल फ्री में कोनीजेक का स्किन निकाल सकते हो। एंड जैसे कि पिछले बार मैंने लैम्बोर्गिनी का ये वाला स्किन निकाला था, इस तरीके से आप एक कोनीजेक का स्किन निकाल सकते हो। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है राइट साइड के अंदर वीडियो आ रहा है, टैप करके देखो जाके।